नेक्स्ट वर्ड इज, वारसी ने दिया है जान। जान के मेरी जान ले गए। कहाँ पे रहता सलमान भाई का हूँ? ये जान था दिल देखे गए, दे दिल ले गए। तुम जान 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 ले गए। ले वेरी गए। गुड। शेख उस्मान ने दिया है शब्द लफ्जों। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। आई गेस दैट्स द लिरिक्स। वंडरफुल। नितिन ने दिया है महबूबा। महबूबा वेरी फेमस एल एन आंटी सॉन्ग। महबूबा ओ महबूबा, महबूबा ओ महबूबा, गुलशन में जी अली ने भेजा है प्यार। इट्स योर सॉन्ग, इट्स योर सॉन्ग। अरे अली फजला तुम्हारे वाला। जब तक होश में जवानी मुझे होश में आने न दो, प्यार दो दो प्यार लो। ओके। शादाब हुसैन ने भेजा है कयामत। कयामत कयामत है ना, कोई पत नहीं, वो नहीं था, वो दूसरा था। कयामत से कयामत तक मेरे को कयामत का गाना था क्या? नहीं, फिर थी। अच्छा चलो आप सजेस्ट कर दो गाना कयामत से। कयामत 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 ऐसा भी कोई कोई गाना था। कयामत पर क्या इतना ही था? अब वो अमित शर्मा ने भी कयामत कयामत लिख दिया, वो भी पूरा गाना नहीं बोल रहा है। ओके। मिस ना ने वर्ड दिया है कैरेक्टर। मैं करूँ तो साला लड़कों का नशा, प्यारे नशा सबसे नशीला है। उसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है। इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर लीला है। सूरज ने बोला है प्यार मांगा है। They want to listen to your songs from your mouth. लिरिक्स भी आने, प्यार मांगा है तुम्ही से, मुझे प्यार करो, अजनबी जिद मानो मेरी, मुझे प्यार करो। अरमान खान ने बोला है सुरीली अखियों। I'm sure it's ओली तो ना की गाने का वो जो ओली तो बोलते हो सुरीली अखियों वाले। This so I think you should be singing for me. या क्या मैं अपने लिए गाना गाऊँ? ये मैं गा देता हूँ। पर मेरे को लिरिक्स पूरे नहीं आते, तो एक लाइन फिर आगे आप कवर अप कर लेना। तो सुरीली अखियों वाली सुना है तेरी अखियों से, और नींदों में सपने कभी तो किनारे उतर मेरे साथ। जमीन पे और मिल जा मुझे से। See, I sang for you. खालिब, he has given a word, भीगे। भीगे हो जो तेरे प्यासा दिल मेरा, लगे अब रसा मुझे तन तेरा। Wonderful. Then we have Botre is not a word. Dil ho chuka hai, doston. Chaand, chaand. Chaand chupa badal mein, lehra ki bhi jana. Seene se lag ja tu, bal
खाके मेरी जाना। वंडरफुल। अच्छा जरीन, ऐसे गाने तो खत्म नहीं होंगे, हम आखिरी 5 रिक्वेस्ट लेंगे बाद में, बट एक चीज जो आपसे पूछना चाहता था, काफी दिनों से आपसे मुलाकात भी नहीं हुई, यू हैव वर्क्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, बॉलीवुड में तो किया ही है और अब तो हम 10वां साल मना रहे हैं जरीन खान का फिल्म। माय गॉड, डजंट इवन फील लाइक इट। यू स्टार्टेड इन 2010 एंड इट्स 2020 नाउ, तो कैसा रहा? इफ यू समराइज योर 10 इयर्स, यू नो, टेल मी योर मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट एंड वन एंबैरेसिंग मोमेंट आल्सो। Well, embarrassing moments, though, there are countless, which I can't even remember now. But, of course, one memorable moment will be the for the jab maine apne aap ko sabse pehli baar screen pe dekha tha, and, you know, it was a very different feeling, jiske liye I don't even have words. I started crying because I don't know why. I could not relate. Matlab, samajh mein nahi aa raha tha. It was something very big that happened in my life, which I could not really, you know... relate to or connect with. So I think that, and then of course this whole journey has been a roller coaster ride, lot of ups and downs, a lot of learnings, lot of goods and bads, but even after 10 years I think the learning is not done. I'm still learning every day of my life. Especially main ek aisi insaan hu jo filmy background se belong nahi karti hu, तो मुझे तो थोड़ा ज्यादा ही वक्त लगा चीजें यहाँ पे समझने के लिए। तो हाउ वाज दैट फर्स्ट बिग ब्रेक? मैंने कभी आपसे पूछा ही नहीं है कि जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से और इतना बड़ा ब्रेक, मतलब जो आपको मिला, वो कैसे? हाउ वाज दैट? आई एम श्योर इट्स सरियल, पर कैसे? यस इट इज। मैं लोगों को बोलती हूँ कि मतलब जब हुआ था तब बोलती थी कि यू नो जैसे उर्मिला मातोंडकर का होता है रंगीला फिल्म में, एकदम वैसी जर्नी स्टोरी हो गई। खाली ये डिफरेंस था कि उर्मिला वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस एंड आई नेवर एवर वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस। आई वांटेड टू बी एवरीथिंग एल्स बट एन एक्ट्रेस, बिकॉज मैंने कभी अपने आप को एक एक्ट्रेस जैसे इमेजिन ही नहीं किया। मुझे हमेशा लगता था जो एक्ट्रेसेस होती है वो एकदम प्रॉपर होती है, उनके बाल हमेशा बराबर रहते हैं, एंड दे हैव ऑल दोस नखराज एंड अदाज, एंड आई एम कंप्लीट टॉमबॉय, कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ दैट। सो आई नेवर एवर थॉट दैट आई कुड एवर बी एन एक्ट्रेस। तो ये हुआ कि मैं एक बहुत ही, मैं सलमान की बहुत बड़ी फैन हूँ, थी और हमेशा रहूंगी। तो सलमान विस्लिंग गुड्स में शूट कर रहे थे एंड आई वाज देयर, तो आई वांटेड टू मीट हिम जस्ट एज अ फैन। एंड मुझे याद है कि आई थिंक वो वर्कआउट करके अपने बैठे थे, विस्लिंग गुड्स का एक जो एरिया है वहाँ पे थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, एंड आई हैड गॉन टू द वॉशरूम, एंड व्हाइल कमिंग, मैं बाहर जब आ रही थी तो उनकी पीठ थी मेरी तरफ, और उनके पास में उनके जो फ्रेंड है नदीम, जिनको सब जानते हैं, वो खड़े थे। तो मैंने नदीम भाई को ही इशारा किया, मैं बोला मैं बात करूं, तो he's like, no, he's on the phone. तो ऐसे तो okay, no problem. तो मैं आगे गई और मैं पलट के सिर्फ सलाम किया, and I was all ready to run. And Salman actually replied to that salam. So I was just more than happy that oh my god, for me it was like Salman Khan ne, you know, मेरे सलाम का जवाब दिया. So I was just happy, right? But इतना ही था मेरे से, मुझे और कुछ नहीं था. Then I was just loitering around in that place, shoot देखना ये वो. Then Nadeem bhai only comes to me and he's like, you wanted to meet bhai, no? I said, no, I'm done. Matlab itna hi tha, salaam hi karna tha. No, come meet bhai, you know, he'll meet you. I said, no, because, you know, I mean, Salman has always been a very intimidating personality, and somehow, even now that I know him, I'm still intimidated by him. So, I went and, you know, I started talking to him, like, how a normal person, a normal fan would talk, and he asked me my name, who all are in my family, and this and that. And then he asked me, he's like, so do you have pictures? Or tabhi wo naye naye mobile aaye the, camera wale, wo Nokia ka aise phone tha, 6600 aata tha, something 6600 6600 tha, yeah. So I said, haan hai, so I'm showing him my family pictures, my pets ka pictures on the phone, and he's like, no, not this, you have a portfolio. Like, no, I don't have a portfolio. Well, I have a portfolio. And he called Munna Singh, Munna S, and Ashley Ribello, who does his clothes. So Ashley got some clothes, some beautiful clothes. Munna was there. And they're like, chalo, abhi aapka photo shoot karte hain. And I just could not understand what was happening. ये क्या हो रहा है मेरे साथ, यू नो? एंड देन सलमान ऑफ कोर्स हैड गॉन फॉर हिज शूट, एंड देन ही आल्सो कम्स इन दिस फोटो शूट इन बिटवीन, एंड
joins me for the photo shoot. And as soon as I was struggling, because they made me wear, you know, ghagra and lehenga, which I am not even relating to Dulsa because I'm a tomboy, so I don't know how to pose, all of those things. And finally, वो सब हुआ. Salman also came with मेरे साथ आके pose वोस किया. उन्होंने pictures click किए. And by the end of it, they tell me that okay, they are, you know, thinking of me for Veer. And I'm like, oh my god, I never even thought of it. फिर of course तब वो Salman तब Salman 10 का दम करते थे. तो उसकी rehearsals शुरू थी. तो वहाँ से फिर हम आए महबूब studio जहाँ पे I met Vijay Galani, who is the producer of Veer, and Anil sir. Who has directed the film. So Anil sir said that he would want to take an audition of me क्योंकि अभी तक जो लोग मुझे इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं उनको लगता है कि मैं हिंदी नहीं बोल पाती हूँ और मैं इंडिया की नहीं हूँ and all those things. So just to make sure, क्योंकि I was playing an Indian princess जिसकी हिंदी बहुत साफ होना जरूरी थी. So auditions हुए मेरे and somehow they liked it and I was a part of Veer. And Veer was shot over a period of 1.5 years on and off. और वो मुझे यकीन ही नहीं होता था कि अच्छा मैं एक अभी आई एम एन एक्ट्रेस एंड आई एम बीइंग अ पार्ट ऑफ द फिल्म. यहाँ तक कि जब मेरा फर्स्ट शॉट था लाइफ का, वेरी वेरी फर्स्ट शॉट, आई डिड नॉट इवन नो व्हेयर द कैमरा वाज. सो इट्स बीन क्वाइट अ जर्नी एंड यू नो आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल. ऊपर वाले का मैं बस शुक्रिया अदा करती हूँ कि यू नो उन्होंने मुझे इतनी लंबी जर्नी का यू नो तय करवाई है. I'm sure I have a very long way to go and I am very very thankful to my fans because अगर वो मुझे पसंद नहीं करते तो I don't think मैं इतना लंबा सफर तय कर पाती. Yes, so I think your fans also love you a lot. और आप वीर में सच में you were looking like an actual Indian princess. हम अगर अभी भी वो गाने TV पे आते हैं तो you know it's like or you're still almost the same. There is no change hardly in you. तो वो छवि सामने आ जाती है इंडियन प्रिंसेस की सामने बिकॉज़ योर फर्स्ट इमेज इज ऑलवेज देयर. लाइक फॉर दीपिका द फर्स्ट इमेज दैट वी हैव इज दैट ओम शांति ओम का ये वाला यू नो. सो योर्स इट कम्स द प्रॉपर इंडियन प्रिंसेस. योर एंटायर आउटफिट कम्स इनटू हमारी आंखों के सामने वो आ जाता है. तो यस आई थिंक वो आपके एक सलाम ने आई थिंक कमाल कर दिया. तो अब बॉलीवुड के बाद ज़रीन बॉलीवुड में कैसा रहा आपका सफर एंड हु डिड यू एंजॉय वर्किंग द मोस्ट योर फेवरेट डायरेक्टर्स एक्टर्स. वेल आई ओनली मैंने अभी तक सिर्फ दो फिल्में ही की है वहां पे और somehow दोनों भी फिल्म मेरी गिप्पी के साथ ही रही है. एक के जो डायरेक्टर एक के जो प्रोड्यूसर थे पहली वाली जज जेम्स बॉन्ड के वो कोई और थे और ये वाली जो मैंने ढाका की उसके तो प्रोड्यूसर भी गिप्पी थे. तो इट वॉज अ फन एनवायरमेंट. And Punjabis, so as is, I love Punjabis. My best friends are Punjabis, and you know they are just so happy, so lucky people. I think Punjabis and Pathans are very similar people. They are all hard. They don't really use their minds. So that's the reason I think वो अच्छे खुश रहते हैं, and that's why I enjoyed every bit of working in Punjab. So did you do the dialogues yourself, or dubbing you use sari Punjabi? Well, of course, बोलते वक्त तो शूट करते वक्त तो मैंने ही किया था, but then they got it dubbed. So वो मुझे पता नहीं था that they would get it dubbed. I thought that they would get it done from me only, but they thought that I would not be comfortable. तो वो थोड़ी they thought और I thought में confusion हो गया. और but from my next film I'll be only dubbed because I understand all of Punjabi speaking में थोड़ी grammatical mistakes होती है, but वो I'll take care of. मैं वही कह रहा तुसी बड़े सोने लग रहे हो आज भी ते थोड़ा जवाब सानू पंजाबी दे दो थोड़ा जा. व्हाट डू यू से नहीं कोई जवाब दो असि भी सुनिए तुम्हारी पंजाबी आज मेनू हुन साफ साफ दसना सीखना है. अच्छा मैं हले मैं सीख रही हूं मतलब थोड़ा जा साफ साफ बोलना मैं सीख रही हूं पंजाबी साफ साफ बोलना. ओके but yaar jo log Punjabi friends including you now you'll all have to talk to me in Punjabi so that my next film I'm doing. Yeah we can have a chat. Ab to ye pure 15 jitne bhi abhi din bache hain 18 din we can have a chat in Punjabi. I'm sure I'll make you turn from Punjabi. You learn a new language. Wow. Yes baaton mein yaad aa gaya. Yes. क्योंकि लोग पूछते रहते हैं क्या करें प्रोडक्टिव तो आप एक नई लैंग्वेज सीख सकते हो आजकल तो यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस हैं. तो ज़रीन आपको 18 दिन के बाद मेरे साथ पंजाबी में लाइव चैट करके दिखाएगी. ये ज़रीन का प्रॉमिस है. इंशाल्लाह. हाई फाइव. अरे वाह. ओके सो आई थिंक गिप्पी से मुझे याद आया
की इंटरव्यू लखनऊ सेंट्रल के लिए की थी विद फरहान अख्तर एंड डायना पैंडी एंड बड़े चुप चुप रहने वाले मतलब इंटरव्यूज में तो बड़ा कम बोलते हैं वो चुप चुप रहते हैं बट हाउ इज ही एज अ पर्सन वो पंजाबी बड़ी फ्लुएंटली बोलते हैं उनको हिंदी बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो जब पंजाबी एक्चुअली जब वो पंजाब हिंदी बोलते हैं या जैसे आप इतनी अच्छी हिंदी बोलते हो आप जब पंजाबी बोलते हो टूटी फूटी तो वो एक्चुअली ऑडियंस को बड़ी क्यूट लगती है Yeah. So tell us more about like what are your upcoming projects? What are you looking forward to? Well, there were a lot of things that were going to start, but now I really don't know when they will. So of course I have my Punjabi film Fatte Dinde Chak Punjabi. Then I had plans of you know Gippy and me had plans of doing one more film, but uska abhi tak official announcement to nahi kiya humne. Then I will be debuting this year on the web, so I'm very excited for that. I have a horror film in Hindi that was supposed to start. I'm doing a couple of music videos and keeping my fingers crossed for G Bollywood Trails season 2. So I hope they announce that also. So yeah, quite a few things and I just hope these, you know, stressful situations, difficult situations in our country get over soon so that we can finally get out and, you know, start doing our things. Yes, I think web is, I'm really excited to see you on the web because that's one platform which is growing and booming. Aur aapka bhi support chahiye, meri ek web series release hui hai 26/11. It's called State of Siege 2611. That's your web series. I was seeing your videos on your Instagram. Oh, yeah. So it's I first playing... of all, from the time you removed your turban, or you look like a different, completely different person. But very nice, mashallah, very nice. Yeah, so I'm playing a terrorist in that, the people who jinhone Taj mein attack kiya tha, and I love the experience of playing a different character altogether. So yeah, it was super cool. Yeah, because I saw some of the lines you were saying and I'm like, this is not Karan doesn't speak like this, but that means you've done such a good job. Yeah, I had no idea you're such a good actor. Yeah, that's seekh rahe hain aapse. you have to teach me some good acting then. I'll teach you Punjabi. I don't think I need to teach you. I saw your videos. I think you're already very good at it. Like such a soft spoken, acha sa hamara Karan, matlab wahan pe dhamkiyan de raha hai, or being this bad man. Gali, aur web mein to gali wali bahut chalti hai. And that character had to give all those galis. So, Very nice, very nice. Good job. तो पता है आपके सेट से आपकी बात से मुझे अभी याद आया जैसे आप वीर में आपको पता भी नहीं था कैमरा कहाँ लगा हुआ है तो जब मैं एक्टिंग में पहली बार कर रहा था आई थिंक 4-5 साल पहले सम टीवी शो तो मैं ना जब किसी और का भी शॉट चल रहा होता है ना मुझे पता नहीं था कि 2 शॉट लगा हुआ है मुझे 2 शॉट का मतलब नहीं पता था कि 2 लोग हैं उस शॉट में तो मैं पूरी एनर्जी के साथ क्यू दे रहा हूँ पूरी एक्टिंग कर रहा हूँ तो बाकी के एक्टर्स मेरे पे हंस रहे होते थे कि ये बड़ी एनर्जी लगा के हमें सजेशन दे रहा है सो देन आई रियलाइज कि इट्स अ 2 शॉट आई एम नॉट इवन देयर इन द नो दिस तो हैपेंस टू मी इवन नाउ एट टाइम्स When yeah. I realized that then, you know, I'm just giving it to my own. Like, no, it's only your shoulder that is seen. So I'm like, oh, okay. suggestion mein ho. तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हम सेट पे रह के काम कर करके सीखते हैं तो and you know I don't think the learning ever gets over. Yeah. I think, in this live only, Zareen, I had a chat with Raymond D'Souza day before yesterday. He and his wife were so, they both came together and we played some games. So, Raymond sir ne bola, phir usse pehle Mukesh Chhabra aaye the, unhone ye bola ki in this time pe, you have to continuously learn also. You can watch a play, you can watch online plays, ya aap book padh lo, koi achhi series dekh lo, to aap apni acting bhi sudhar sakte ho. Exactly. Yeah. There's so many your favorite series nowadays. What are you binge watching? Well, I haven't honestly. अभी तक तो मैं सिर्फ ये reruns ही देख रही थी. ऐसे कोई नया show तो मैंने अभी तक देखा नहीं. मैं Friends देख रही थी, Sex and the City देख रही थी, and I've been reading more than you know watching things. So yeah, but now I know I have one more thing to do. That is, you know, now learn Punjabi also. जो somehow मेरे दिमाग से पता नहीं क्यों उड़ गया था. Now अभी बात किया तो याद आया कि I will learn this new language, which is one task I'm supposed to do in these remaining days. It's not that tough. It's similar to Hindi, so we can. I know. मैं पूरी समझ में पूरी आती है, but वो क्या grammatic mistake हो जाती है ना, और वो thought process Hindi में या English में होता है, तो फिर वो पहले Hindi या English में सोच के फिर उसको Punjabi में बोलो तो वो ज़्यादा time हो जाता है.
जाता है बाहर निकलते हैं. तो यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम द स्क्रैच. जैसे हमारे एबीसीडी होता है पंजाबी में, उड़ा एड़ा ईडी सस्सा हाहा. यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम दैट लेवल. दैट विल हेल्प यू कनेक्ट द डॉट्स, सो यू कैन इजीली यू नो पुट द थिंग्स राइटली. चलो बढ़िया है. सो आई थिंक ज़रीन हैड अ गुड टाइम. वुड यू लाइक टू रीड सम नेम्स, या मैं आपको बताऊं पढ़ पढ़ के, आप बस नाम बोल दो. राजपूत, आई अगेन सेड सम राजपूत, राज निलमरकर, मोहम्मद Good night. Bye. Bye, Zareen. Bye. Good night, everyone.